सिर्फ बात है ये है जोहा जो है फरक बट सूदी चोपड़ा एब्सोल्युटली राइट चौधरी बुलंद बखोश बखोश नहीं बकते आप अगर चौधरी मोहसिन यस सर ये जो अंडर एज ड्राइवर्स और बाइकर्स के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है इसका सोशल मीडिया पे बड़ा बैकलैश आ रहा है चौधरी साहब बैकलैश लैश लैश ओए यार मोहसिन पापा जितनी इंग्लिश चौधरी वालों आ गई है इनू कबूल कर मेरी जान और तो सारे नु पता नहीं चौधरी दा ते अपना बैग ते कोई नहीं गवचारे दे शट अप फाइनेंसर को जुत के मत करो भाई मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को साइकिलिंग की आदत डालनी होगी क्योंकि साइकिलिंग इज नॉट एक्सरसाइज साइकिलिंग इज मेडिसिन मैंने तो चुदरानी को भी साइकिल ले दिया रियली हां जी हुन तो बेचारी सुबह सुबह उठ के पूरे पिंड च सवेरे सवेरे अखबार सुट दी है अच्छा रात को 8:30 बजे तो बाद पिज़्ज़ा डिलीवर कर दी साहब ये चुदरानी जो साइकिलिंग और मशक्कत कर रही है ना वो सिर्फ आपसे दूर रहने के लिए कर रही है जाहिर है भाई चौधरी साहब के साथ रहना भी तो कह दे बा मुशक्कत ही है मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई जहां में मिली आखिर उनको बढ़ाई चौधरी वेल्डन यार मोहसिन पापे इस तो पहले के अल्ताफ हाली तो बाद एदे अंदर अल्ताफ बाजवा आ जावे गेस्ट बुला ले तो दोस्तों भाइयों बुजुर्गों आज का पब्लिक डिमांड प्लस होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं कॉमेडी उनके घर की बांधी है दोस्तों टीवी थिएटर फिल्म हर जगह पर अपने नाम का झंडा गाड़ चुके हैं जैसे चौधरी बरादरान हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं उसी तरह मशरकी पंजाब की हर फिल्म का हिस्सा बनते हैं हमारे आज के मेहमान लेडीज एंड जेंटलमैन माय पर्सनल फेवरेट ज़फ़री खान एवरीवन आपको पता है तो फिर मुझे भी पता होगा कॉमेडी रिमांड होगा आपका कॉमेडी रिमांड जनाब कौन लेगा मैं ही लेना है सारे ने रल के लेना है लेकिन आप अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहते हैं या फिर बैरिस्टर आगा माजिद की कानूनी मुआवजा चाहिए आपको आगा माजिद कौन और लो तुसी बैरिस्टर बना रहे हो अगले सिपाही भी नहीं छड़े नहीं आगा माजिद कौन मुझे आर्टिस्ट आर्टिस्ट की बात सर वो आर्टिस्ट ही तो अच्छा 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 मैं शायद कोई सियासी सा बंदा सफी साहब आगा माजिद छोटी पेट्रोल वाली टैंकी होंगी जिमें हाँ जी हाँ जी हालांकि जिदा तेरा मुंह है मैं रक्षा कराना चाहिए पूरा चौधरी खिलर गया मेहरबानी तुसां दी जी अगर ओदी गर्दन हुंदी ते कटी गई सी ना ये चौधरी है ताडा माशाल्लाह 2.5 किलो दा ते कान नहीं है ओदा मिसाल बनी है कि पुत सिर्फ कन वलेड़ के निकल इत्थों लगता है कि बहुत नलायक सी बचपन दे विच के बाश्टर ने कन नहीं फड़ाई रखे तेरे ये तो गली च लंघदा होवे तीसरे घर की गल सुन लैंदा होवे कन ना हो पग कदों की थले डेग पवे इधर तेरे तेरे कन ए करके बिछाए हो 300 बंदा थले रोटी खा लो कान पाया होवे ना समंदर च ते चप्पू दी लोड़ ही कोई नहीं आप ही तैर ले यार असल दे मैनु ए पता लगा तो कन्ना दा कच्चा मैं तेरा हिसाब ले यार और कोई यार मेरा ही सदे यार दा कन्ना दा नहीं यार नहीं जदों बच्चे स्कूल छड्डन जांदे उहनां दे बैग ते कन्ना ते टंग लैंदा होवे यार बस करो ना यार माड़ा चौधरी क्या करदे पे हो ए ते शोरबे वाला सालन खावे कन्ना नाल ही मुंह साफ कर लैंदा
चौधरी बुलंद बकर अपनी फिल्म चौधरी अपनी पंचायत बैठे पहले दसो मेरा साइकिल किन्ने चुके ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਡੱਬ ਚ ਲਈ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਜ਼ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੈਸਟ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਗ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ ਕਰ ਏ ਉਹ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਤਾ ਹੋਗੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਵੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਣ ਧੁੱਪ ਨਾ ਚੱਲੇ ਓਹੋ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਐਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਜੀ ਡੂਮ ਠਾੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਮਨੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਜੁੱਤੀ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮੰਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨਰਗਸ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਜੀ ਮੰਜੀ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਫੇਰ ਲਓ ਆ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛਾਏ ਪੜੇ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪਕੀ ਫਿਲਮੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਨੇ ਕੋ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ पिछले 2-3 साल जो पूरी दुनिया बंद रही है कोविड की वजह से ये सब उसका खसारा पूरा हो रहा है सर बिजली का बिल आप खुद दे रहे हैं या फिर यूके कनाडा वाले प्रोड्यूसर दे रहे ने? नहीं दे तो प्रोड्यूसर ही दे रहे लेकिन अगो मैं दे रहा बिल ते कसम खुदा दी इंज आ रहे ने कि बंदा मैनू लगता है कि जिवें सिर्फ असि बिल ली दुनिया ते आए हैं 2-5 सौ दे है ने एक तो मैं देना यार जरा मैं देना मुंडे नू नजर मैं चेक कर रहा हूँ वाकई चौधरी ਲਾਈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁਤਕਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ ਐਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੁੱਡੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਜੇ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ 99 ਤੋਂ ਡੰਗ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 कबूतर जा लो जी एदा ते मैनूं पता लगा निदा चौधरी दी लड़ी चो चौधरी लड़ी चो या सर आपके शायाने शान जितने बड़े आप आर्टिस्ट हैं हमने हाय देसी कुकड़ दी यखनी ना कुछ माइए लिखा हाय 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 बड़ी मेहरबानी सुन लो सर जी जी इन्होंने मैंने तनख्वाह नहीं दे देनी नहीं नहीं ओ महफिल दी शान आया हाय महफिल दी शान आया ओ बैठो बैठो ले आओ Bye.
आई लव यू यार, थैंक यू सो मच भाई। बड़ी जगह पे गया हूँ, इतना प्रोटोकॉल किसी ने भी नहीं आज तक दिया। ये चीज़ आप मेरे लिए बड़ी इज्जत की जगह है और अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। और आपके ये शो जो है ये कम से कम फ्रेंड की तरह चले। इंटरनेशनल लेवल की दुआ मिली आज हमें। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी ऑनर सर, वेरी ऑनर। हां सर, इस तो पहले के नाजरीन नु लगन लगे कि तुसी इत्थे हांडी चढ़ा नहीं लगे हो भाई। जफी सर, जिन साइंसदानों ने बिजली ईजाद की सर, उनका नाम तो सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, और जिन साइंसदानों ने महंगी की सर, उन्होंने नाम कड़े हरूफ च लिखा जाना चाहिए? इन्हों का बहुता गोल्डन लिखा जाना है। जिन साइंसदानों ने बिजली महंगी की है, उनका नाम तारीख के पन्नों में फिरौन के साथ लिखा जाए। यस, वाह वाह वाह। बल्कि मोहसिन पापे, जिन लोगों ने बिजली महंगी की है ना, इन्हों का नाम सुनहरी हरफां च नंगियां तारां ते लिखना चाहिए। कान पक गए हमारे ये सुन सुन के बहुत। एदा की हाल होएगा जिदा कान ही एडा एडा है। एदे पकण च टाइम है ने सर। यार तेनू ये कान नजर आए ने, कुल्ले दा कान नजर नहीं आया। माशाल्लाह, इहो जिहा चौधरी व्याल तन सिर्फ प्लेटां पूरियां करा रहा हुंदा। जफरी भाई, कान पक गए ये सुनते सुनते के बहुत टैलेंट है इस मुल्क में, बहुत टैलेंट है, लेकिन क्या फायदा ऐसे टैलेंट का सर जो सस्ती बिजली ना बना पाया आज तक? महंगाई पूरी दुनिया में है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हमारे मुल्क में तनख्वाहें कम है, बिल्कुल ठीक है। जिस मुल्क में महंगाई होती है ना, उस वहां पे तनख्वाहें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, साथ वो लेवल हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ महंगाई हो रही है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, इसलिए थोड़ा जब महंगाई फील हो रही है, ज्यादा हो रही है। हाँ सर, पूरी दुनिया में आपका शुक्र है, मैं समझा आप पता नहीं बात करेंगी। अच्छा बोलती भी है। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि जो पूरी दुनिया में आपका तकिया कलाम मशहूर है कि बैठो बैठो ले आओ डाला, सर महंगाई से ये डाला छोटा तो नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया जी, हुण ते डाला जिहड़ा उहनां नूं पेट रह गया है। वो भी छोटियां बोतलां वाला। महंगाई होर वध गई ते डाला मेरे ख्याल डाली हो जानी। हाँ बिल्कुल, बल्कि डाली हो जाना है। एक्चुअली ये नहीं है, मतलब मेरी एक फिल्म है, उसमें मैं पाकिस्तान से जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि साढ़े ना दियाँ तूतियाँ बोल दियाँ ने जी। बाहर की दुनिया में ये भी वर्ड बड़ा, इस पर भी लोगों ने बड़े टिकटॉक बनाए हैं जी। फिर वो एक फिल्म चल मेरा पुत्ता है, उसमें वो मैं कहता हूँ कि तेरे लिए तो मैं सिर्फ वो ऐ ही कर सकना मैं। तो कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो पब्लिक में जब भी कभी जाएं उसकी आवाज़ें लगती हैं। सर आपने इंडिया में इतना काम किया है, तो कभी किसी ने बॉम्बे या महाराष्ट्र में किसी ने कहा कि लिया डाला? नहीं, ये मैंने एक दो दफ़ा वाकया सुनाया हुआ है। 15-20 दिन हो गए हमें बॉम्बे फिरते, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे, कभी इधर फिर रहे कभी इधर, वो चूँकि वो हिंदी हैं सारे। ओके हाँ जी। हम अमृतसर पंजाब में अगर कहीं जाएँ तो और बात है। 10-15 दिन हो गए, मैं वो साथ में लड़के को कह रहे, मैं कहा सानू पहचान ही कोई नहीं रहे। तो दो लड़के मिले कहते जफरी खान, मैं कहा शुक्र है तू सानू पहचाने है, कहते पाए असं भी लाहौर दे हैं। खान साहब, अच्छे खासे हीरो मटेरियल हैं आप, आपको डायरेक्टर्स हीरो क्यों नहीं लेते? सोचें आप हीरो हैं, वाह मैं हीरोइन हूँ, तो वो फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी। जिद्दा सोना तुसी इंज हाथ चलाया ना, मैनू चौधरी दी लड़ी चो लग रहे हो तुसी। बिल्कुल बिल्कुल, चौधरी जफरी आपने सही फरमाया है, उसमें भी मुझे थोड़ी सी झलक आलिया भट्ट की नजर आ रही है। नहीं वो है ही खूबसूरत हीरोइन आ सकती है, और रही बात फिल्मों की, तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फिल्में आ रही हैं वो एज ए हीरो ही आएंगी, और वो चढ़ते पंजाब के साथ ही हैं। मेरा रिदम बॉय के साथ 3 फिल्मों का एग्रीमेंट है, और वो इंशाल्लाह उसकी फर्स्ट फिल्म जो है अब कनाडा में शूट होना शुरू। वाकई मोहसिन पापे है, मैं भी तारीफ कर सा, मैं गया जफरी पापे को एक फिल्म का स्क्रिप्ट लेके। अच्छा जी। इन्होंने तोता जवाब दिता, कहंदे नहीं जी मैं हांडी वाला व्लॉग ही कर सा। यार मोहसिन पापा, असल च गल पता की है, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इन्होंने ते वीएफएक्स भी जेड़े ना हुण बुढ़े हो गए, मैं हुण कोई न्यू खान चाहिए। बदामी बाग जाओ। बादामी बाग मैं को मेल सी नहीं जाना, ना ही मैं बुरे वाले की सवारी हाँ। न्यू खान का मतलब है कि कोई नवा टैलेंट चाहिए मैनू, मैं जफरी साहब नू हीरो लेना ते फिल्म बनानी है दी लेजेंड ऑफ पठान। अजारी बात है, पुराने वाला खान तो जेल से वापस आता नजर नहीं आ रहा, बरहल नए खान की स्लॉट खाली है। और चौधरी अल्लाह ना वास्ता यार, मैं इंटरटेनमेंट का खान चाहिए, जलसे वाला नहीं चाहिए। लो मोहसिन पापा हाँ जी,
ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਖਾਵਰ ਮਾਣਕ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਜੇ ਚੌਧਰੀ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਬਣ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਬਣ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਨਾਸਰ ਚਿਨਯੋਟੀ ਯੂਕੇ ਮੇਂ ਬਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਕੋ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਦਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਹਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। नहीं करेले गोश्त नहीं खैर खुआए। नजर आना और बात होती है, काम करना और बात होती है। वाओ नजर तो टिकटॉक पे भी बड़े आ रहे हैं। आप समझ लें कि मैं सिलेक्टिव काम मनिंदर गिल जी ने तो पैसे मांगना पहले। मैं सही कह रहा हूँ आपको। मैं जब फिल्म साइन करता हूँ मैं एक अपना एक ब्रोशर्स भेजता हूँ उनको। जी जी। उस पर मेरा खाना, उस पर मेरी रेस्ट, उसके ऊपर मेरा क्या कहते हैं जहाज की टिकट, फिर कितने दिन मैं करूँगा, मैं वापिस आऊंगा, मैं वो सारा लिख के भेजता हूँ जी। वो फिर मैंने नहीं जवाब आता। वाह यार क्या बात है। तू के तो आया कर यार। ओके सॉरी। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं मेरे करेक्टर को। वैसे आप दोनों को देखकर ये गुमान होता है कि आप इंटरनेशनल फिल्म जो रिलीज हुई है जो पाकिस्तान में तो हुई नहीं है, क्रिकेट भी तो हो रही है ना, बाकी सब भी तो चल रहा है ना यार, तो फिल्में भी आने दे, उसको आप अपने खिलाफ साजिश समझते हैं, वरना हमें ये कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पे। आप एनिमल फिल्म के बाकी याद है ना दोनों? नहीं मैं हूँ तमिल फिल्मों का डायरेक्टर, रेडी आऊंगा बाऊंगा। यार बहुत अच्छा। और ये है मेरा एनिमल। ओके पापा लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा। अदड़की उसी को मैंने रेस्ट। ये सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? वो आपको आ चुकी है, आपको पता नहीं चला। मौत कब की आ चुकी है, सदाएं इसे ना दो। आपको मौत फिल्म बनने से पहले ही आ जानी चाहिए थी। वैसे आप दोनों बाप बेटा मिलके एक आइकॉनिक सीन को तबाह कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है रणबीर कपूर और अनिल कपूर साहब ने कितनी बढ़िया अदाकारी की है। आई विश के मैं एनिमल फिल्म देख सकता, क्योंकि पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई और पायरेसी के मैं खिलाफ हूँ, तो मेरे ख्याल में ये फिल्म जो भी रिव्यूज हम तक पहुंच रहे हैं, ये फिल्म अपनी तर्ज की एक बहुत मुनफरद फिल्म है। एनिमल इस क्वाड्रिनल तो तीलियां टुकना है। ऑर्डर ला देना, लत्ता भी ला देना। और यार तुसी सारे इत्थे वेले बैठ के तनकीद इंज कर रहे हो जिवें मुगले आजम ते मदर इंडिया इत्थे बणी सी। मेरी जान तुसी बदनसीब आदमी हो, तुसां दे मुकद्दर च पता की है? मैडम दिहाड़ीबाज, अच्छू चीदी दा खड़ाक या ज्यादा तो ज्यादा स्पाइडर गुजर। Welcome back, Nazreen. You're watching Public Demand. और यहाँ चल रहा है जफरी खान का कॉमेडी रिमांड। जफरी भाई ये तो बताइए कि यहाँ पर इतने दावेदार हैं कि हमने कपिल शर्मा को सिखाया, हमने उसको ये बताया, हमने उसको वाकई साढ़े आर्टिस्ट ने जाके कपिल शर्मा ने डीजल इंजन खोल के दोबारा फिट करना सिखाया। जाहिर है वो इस करके कि जिन्ने भी पंजाबी इंडस्ट्री के एक्टर ने चाहे हीरो ने ये सब साढ़े चो ही निकले हुए ने, साढ़े स्टेज ड्रामे चो ही निकले हुए ने। और दूसरी बात यह है कि वो जो वो शो बना रहा है वो शो बेसिकली हमारा ड्रामा है। बिल्कुल। जैसे हम स्टेज करते हैं, कोई चाचा आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो उसने हमारे स्टेज को तोड़ा हुआ है हमारा थिएटर। और वो जो मैं जब बॉम्बे गया था तो उसने लैपटॉप के ऊपर तीन चार आर्टिस्टों की तस्वीर लगाई है, उसमें बीच में मेरी भी तस्वीर है। जब लैपटॉप खोलता है वो दो चार आर्टिस्टों की तस्वीर, ये स्टार्ट की बात है। सर वैसे वो कौन है चार लोग जिनको वो पसंद करता होगा, ये जिनके जिनका काम या जिनकी कॉमेडी उसको अच्छी लगती होगी उनके। और उनमें से एक आप हैं। अरे क्या बात, क्या बात है। अच्छा मोहसिन पापे बड़ा फखर होता है जो पता लगता है ना कि जी कपिल शर्मा शो ते होर भी जिन्हें कॉमेडी शो ने साडे थिएटर चो निकले ने, लेकिन शर्मिंदगी उदो होंदी है जो नाले भी पता लगता है कि निधा चौधरी भी इत्थों ही निकली। अच्छा सफरी भाई क्रॉस आर्ग्यूमेंट ये है मेरा कि पूरे साउथ एशिया में कपिल शर्मा के नाम का डंका बजता है, अगर हम उनको सिखा कर आए हैं तो हमारे यहाँ हमारे ही आर्टिस्ट जो असातजा हैं कपिल के वो यहाँ पे वो इम्पैक्ट क्यों क्रिएट नहीं कर पा रहे, हम इतना बड़ा कोई शो क्यों नहीं कर पाए आज तक? पहली बात तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है हमारे मुल्क में, ठीक है, स्टार पावर नहीं है, ठीक है, जो उसके पास है, ठीक है। अब बात कपिल शर्मा की नहीं है, मतलब हमारे भाइयों की तरह है
बड़ी इज्जत करता है हमारी, अल्लाह उसको जिंदगी दे। बात है सामने वाले की, बात वो कर किसको रहा है, तो वो आप देख ले कितनी कितनी बड़ी सेलिब्रिटी उसके पास है। वो शाहरुख खान को बात कर रहा है, वो मतलब सलमान खान उसकी उसकी बात पे नीचे नीचे लेट गया। तो कपिल शर्मा क्या यार, ये भी होगा ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। और बाकी सिखाया वखाया तो वो मतलब कि छोटे भरा क्यों नहीं सिखाया, जेड़ा नाल पानी पिया रहा बोतल फड़ा रहा उन्होंने क्यों नहीं सिखाया। ये जिसके पास होता है वो गॉड गिफ्ट होता है। बहुत सही है, वाकई सही गल है। नहीं तो चौधरी इतने ना होता, इतने कोई रिक्शे वाला बैठा होता, गल तो ठीक है। तो माशाल्लाह मेरे चौधरी फेंक गया कोई। अच्छा तुसी सामने चले गए। तो मैं समझा हौली हौली तुसी वो डायरेक्टर दी झाड़ा तो सुंगड़ गए। नाल मेरे कांजी का घड़ा बहाता। आप तमिल फिल्मों के डायरेक्टर हैं। हदड़की हो। कितनी जुबान में फिल्में बनती हैं उधर? हदड़की मेन है तो कड़े न बट ताला थ्रू। अच्छा शो सिर्फ तेरे घर दे ने नहीं देखना, बाकी ने देखना। हदड़की हो मर्द एक ता मां मर्द के ना का था तड़क था दा जफरी खां। ए पर्सनल सवाल मेरे ना ना करो। और पहला पहला तमिल है जिदे झलका हल्का केपी के भी आ रहा है। बस एनिमल की डायरेक्शन करवाने के लिए इनको वहां से बुलाया गया है। जाहिर है जी ओदे वास्ते कोई एनिमल ही चाहिदा सी ना। ए उन्होंने फड़िया नहीं। हाँ। ए आप आ गए। अच्छा बदो बदो। जफरी भाई आपने तो बड़े इंसाफ से और बड़ा नपातुला एक जवाब दिया है जिससे कि मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर यह तासुर दिया जाता है हमारे यहाँ कि हम उनको सिखा कर आए, गुमान ये किया जाता है कि जैसे इंडिया की जो धरती है वो बांच है, वहां पे कॉमेडी जॉनरा एग्जिस्ट ही नहीं करता था और हमने वहां पर जाकर ये बीज बोया तो वहां पर कॉमेडी जो है उसकी फसल उगी। तो मेरा ये इस पे एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट ये है कि यू नो एक ही धरती है, एक ही रीजन है, हम लोग सारे एक ही थे। जैसे लूना से मेहदी हसन साहब यहाँ तशरीफ लाए, लायलपुर मेरा अपना जो शहर है वो अमित जी का, अमिताभ बच्चन जी का ननियाल है। तेजी बच्चन साहिबा लायलपुर में पैदा हुई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जीसी में पढ़ी और फिर वो वहां पर माइग्रेट कर गए। तो ये हम सब एक ही हैं, तो ये जो सरहदें हैं इनको दिलों में मत आने दीजिए, इनको जमीन पर ही रहने दीजिए। जफरी भाई हम सब ने पाकिस्तान में बैठकर बड़ा एक तो महसूस भी हुआ और फखर से आपको देखा कि जब आप एक इंडियन कॉमेडी शो में परफॉर्म कर रहे थे लेकिन जजेस आपके सामने थे, शुएब अख्तर साहब और हरभजन सिंह साहब, तो थोड़े तासरात की सी उन्होंने उनकी कॉमेडी आती होनी जिन्नी सानू क्रिकेट आती है। नहीं उत्थे सिर्फ सानू हासे वाले बंदे चाहिए सन। समझ आवे ना आवे ना तो ज्यादा कोई भी नहीं हंसता, लेकिन शुएब भाई जो बड़ा बरीक आदमी है। ये तो ऐसे ही है ना कि आप फर्ज करते हैं कि शुएब भाई और हरभजन जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं और आप और बदर खान साहब जो है वो अंपायरिंग कर रहे हो, तो कैसे फैसले आते सर वहां पे? कुछ भी नहीं, बस ये जरूर होना चाहिए कि पीछे को गाना ला दे जरा। या पता लगे जफरी भाई अंपायर ने कह रहे ने बैठो बैठो वजह छक्का। जफरी खान हाँ जी आओ, बल्कि एनिमल में ही आओ, हाफ टाइम के बाद ही आओ। यार खुदा दा खौफ का वो भी देवल तेरे उत्ते लम्मा पै के सिगटा पी रहा है, ऐसे तू टगे टगे दियां गल्लां कर रहा है। मैं तेरी फिल्म मैं किथे वेखनी किथे मैं दस, मैं तो थल्लो थल्ली जाना पैना मैनू तेरी फिल्म में। पता लगे स्क्रीन दे उत्ते भी सिर्फ नजर नहीं आउण डिया तू। जफरी खान 3 दिन में जवान फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ चुका हूं, तो मैनू क्यों? इसलिए बता रहा हूं कि सुपरस्टारों के सुपरस्टार पुराने होते हैं। आए हाय क्या बात है। तुम्हारी फिल्म एनिमेटेड किथे लगी? एनिमेटेड एनिमेशन तो अभी होनी है, सिर्फ एनिमल एनिमल। अच्छा मैं लगता है एनिमल जड़ा फिल्म का नाम तुसी ना बिल्कुल अपने डायरेक्टर के हिसाब में रखे है। छोजो छुबा स्कूल जाना, छोजो 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 छुबा स्कूल जाना। अल्लाह अफ्रिया अफ्रिया इस ओल्ड इमन ए दो माल वेख के लगता है मेरा सोफा लक्ष्मी चौक किते लगा है। सर आपने आफताब इकबाल साहब के साथ भी काम किया और उस महान यूनिवर्सिटी ने अपने इल्म के मुताबिक आपको एक ठंडे आर्टिस्ट का खिताब दिया, लेकिन जब हम थिएटर पे आपकी एंट्री देखते हैं सर तो दर्जा हरारत सिब्बी के दर्जा हरारत को क्रॉस कर जाता है सर। वाह ये इल्जाम आप कैसे देखते हैं, इसको कबूल करते भी हैं या नहीं आप? मैं ऑलरेडी जफरी खान हूं। ऑफ कोर्स मैं जिस काम से जिस चीज से जाना चाहता हूं आप पहले वो मुझसे करवाओ। ठीक है बिल्कुल ठीक है। यस ठीक है, अगर आप
जफरी खान को ये नहीं कह सकते कि अल्लाह रखा पर पेप्सी वाली आइटमा सुना थे। बस ये फर्क है। ठीक है, जो मैनू कह रहे सन के 6 महीने तेरे ते लगन के, मैं क्या पंजाबी जुबान च 6 महीने लगन के मेरे ते, उर्दू च तो चलो बने हैं या इंग्लिश से मैं मने कि मेरा तलफ़ सही कर रहे हो कि पंजाबी च भी मैं 6 महीने तुम लुआने ने, जबकि मैं बॉम्बे हिंदी च काम करके 20 लाख रुपए का इनाम तो ट्रॉफी मैं लैके आया हुआ, मेरे को मेरा काम लवो जिस चीज तो मैं जाने जाना, मैंने तुम कहो कि मौलाना फजल रहमान बन जाते हो, मेरा स्टाइल नहीं है। हाँ ठीक है, वैसे ही मैं शो कम करता हूँ। और वैसे भी सर आपने माशाल्लाह से अमानुल्लाह खान साहब के साथ काम किया, सोहेल अहमद साहब के साथ आपने काम किया, बबू बराल साहब के साथ काम किया, लेजेंडरी उमर शरीफ साहब के साथ आपने काम किया, और यकीनन आप उन सब के फेवरेट जूनियर रहे हैं हमेशा से, और आपका मायार आज भी माशाल्लाह वही है। उमर साहब की तो मैं अल्लाह उनको ज्वारे रहमत में जगह अता फरमाए। उमर साहब एक दफ़ा महफिल में मैं रिहर्सल कर रहा था 4-1 बजे का टाइम शाम का, तो उमर साहब आए तो मुझे मिले, तो मुझे देख के कहते तू पहला स्टार है जिन्हें मेरे को चपेड़ा नहीं खा दिया। बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो उनकी मार धाड़ झाड़े खा के स्टार बने हैं, वो कह रहे कि तूने मेरे से एक थप्पड़ भी नहीं खाया तो तू स्टार बना है, मुझे कहते बड़ी गल। मगर चौधरी जफरी साहब मैनू माफ करे जे मैं थोनू पहचान नहीं सकिया। वाह वाह, 1.5 लाख जुगत खान तो बाद है कह रहे हैं। हाय 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 हाय, कोई बंदा मेरे दिल च वड़े ते मैं तुसा की अपनी ख्वाहिशां दसा। मेरा दिल करदा कि खल नायक फिल्म मैं दोबारा बनावा, ओके जफरी खान की हीरो लवा। हाय हाय हाय, के गाना वो वाला मैं दोबारा रीशूट करा। कौन सा? नायक नहीं खल नायक हूं मैं, बैठो बैठो लिया डाला। ऐसा रिदम च पूरा कर लेसा ना। अब तुम खलनायक की बात करते हो, और मेरा तो दिल करता है कि मैं जफरी खान को लेकर पीके फिल्म बनाऊं। ओ यार, फिल्म ते पीके कर लेसन जफरी साहब। हाँ। लेकिन वो जेडी टेप रख के फोटो लुवानी है ना, वो नहीं मैंने मरना, वो तेरे प्यो ने करनी फोटो। और ये जो पैरेलल एक्टर होता है ना, ये सीन की डिमांड की खातिर टेप भी आगे रख लेता है और तोशा खाना से घड़ी भी उचक लेता है। मेरा दिल चाह रहा है अभी चौधरी संजीव कुमार वाली फिल्म आंधी दा सीक्वल बनावा, लाल हनेरी, ताकि पिया आटा भी उड़ जाए। अगों तो हो रहा आना है कि नहीं आना। संजीव कुमार साहब हाँ जी, उन्होंने बड़ा अच्छा डायलॉग है कि ये उन दिनों की बात है, ये तो अच्छा ही लगना है जी। बेलापुर आ मैं कीता ही इन्ना। जब मैं बेलापुर थाने में हुआ करता और उधर दो थे, एक जय और एक वीरू। है बनाना चाह रहे तुसी? ये तुसी ओला बना लेना, तुम जूली को उस पहाड़ पे लेके पहुंच जाना और मोना डार्लिंग, तुम अपनी गोरी बाहें लहरा कर वहां से वो माल ला सकती हो। तेरे को माल ऐ मिले है। चौधरी जफरी साहब थानू ये भी डायलॉग नाल बोलना पड़ेगा, है चन वेख रही है नूरा इन रात नू, और मरे चन निकलता भी रात नू है ते चढ़ता भी रात नू ही है, लेकिन बीच में आ जाती है अमावस। आहा। अमावस को है बड़ी मुश्किल से टाला, और बैठो बैठो ले आओ डाला। क्यों है मुक गया शो? नहीं नहीं अब हम हमारे आखिरी सेगमेंट के करीब करीब पहुंच चुके हैं सर। अब आपका जैसा कॉमेडी का पेस है ना, उससे मैच करने की कोशिश करूंगा मैं भी, और आपसे कुछ तुंदो तेज सवाल किए जाएंगे। आप तैयार हैं सर? जी मैं तैयार हूं। सर फेवरेट मीडियम, फिल्म टीवी सिनेमा या सोशल मीडिया? फिल्म। ओके, फेवरेट को-स्टार सर इफ्तिखार ठाकुर साहब या फिर सलीम अलबेला साहब? सलीम अलबेला। सर फेवरेट फीमेल को-स्टार, नरगिस जी या फिर खुशबू जी? सर पहले फौरी जवाब देते रहे। नहीं कोई और ऑप्शन रखो। क्योंकि वजह ऑप्शन नेड़े आ आ जालिमा वे मैं मर गई आ आ मैं मर गई वाह वाह। अच्छा तुसी ना एक काम कर सकते हो, या इन्हां दे कपड़े बदलो या ना कुर्सी का कपड़ा बदलो। तो दूरों मैनू इंज लग रहा कि तौण कट के ते मेरे को रख गया है। सर जवाब नहीं दिया आपने, ऑप्शन भी तो नहीं ना दी थी तुसी। तो ऑप्शन मेरे पास यही है सर। नेक्स्ट।
अच्छा ये पास कर दिया आपने सवाल। सर फेवरेट जूनियर सर, गोगा पसरूरी या फिर वाजिद खान? वाजिद खान। वाजिद खान की मैं आपको एक बात बताता चलूं, कराची हम एक शो कर रहे थे, अच्छा जी, उस पे ना हमारी टीम में से सारे बंदों ने एक दिन स्टैंड अप करना होता था जो हमारी टीम है, ठीक है, तो मैं इसको साथ लेकर गया हुआ था, तो मैंने एक दिन कहा मैं यार स्टैंड अप मैं दो दफा कर लिया के, तो उन स्टैंड अप कहना मैं कर लांगा, तो अच्छा। मेरे जेन से निका जहा अली मुंडा है स्टैंड अप, मैं क्या चल देख लै तू कर लै, कहना बस तुम मैं चीज़ा लिखा दो भाई, मैं ये नहीं कि मेरा छोटा भाई है, मैं जहाँ पे भी ये मैंने बहुत जगह पे ये बात सुनाई है, मैंने इसको तकरीबन कोई 140-145 बातें लिखवाई कि ऐ कर ली इतने, ऐ कर ली, ऐ कर ली, तो इसने अगले दिन जब शूट हुआ तो इसने वो सारी लाइनें बोली थी भाई, वाह वाह क्या बात है। और उस दिन का वो सलार डे अवार्ड होता था जो पूरे दिन का, वो उस दिन वाजिद खान ने लिया था। कितनी तालियां बजवाऊं तुम्हारे लिए लौंडे, सर फेवरेट बरादरान सर, ताफू बरादरान या फिर मियां बरादरान? ताफू बरादरान कर लो सानू भी जरा शौक है साड़ी फील्ड दे रहे। ओके ओके अच्छा मुंह जरा बंद रखो भाई थोड़ा गल दा मजा बहुत आ रहा है, तेरे मुंह तो नहीं ना लग रहा तुम मजा माशाल्लाह, कदों दे आए हो बारो? अगले महीने की 35 तारीख ते हुण ते नाल हो महीना डेढ़ हो गया तुहानू आया नाल हो रोज नाना जिंदड़ी मेलिया च तुसी कदी जाओ ना मेलिया दे विच ते ओह कतलम्मा मिलदा हुंदा सी वड्डा, हां जी ओह इहदे मुंह ते रख के ते कड़ाई च सुट्टदा हुंदा सी। सर फेवरेट तजज़िया कार सर, हामिद मीर साहब या फिर काशिफ अब्बासी साहब? हसन नसार साहब। ओके ओके ओके, क्योंकि वो मैंने उनको देखा वो सीधी बात करते हैं, जो रिक्वायर है वो उसकी बात करते हैं, बनावट नहीं है उनकी बात। बिल्कुल डेफिनेटली। सर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब या फिर नुसरत जावेद साहब? नुसरत जावेद साहब। ओके परफेक्ट। सर कासिम के अब्बा या मरियम के पप्पा? तेरा केड़ा है बिचो? गुलाम अली अब्बा। कासिम के अब्बा। ओके अच्छा हूँ मैनू नहीं जे पता की पूछ रहे हैं मैंने। और कुछ लाना ना लाना शो च ऐ जरूर लाना जे तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। सर ये सवाल मुझे लिखा हुआ मिला, मैं अपनी बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहा सर, बेस्ट फिजिक सर मोहसिन अब्बास हैदर या फिर रणवीर सिंह सर? नहीं डेफिनेटली तू ही है यार। दिखा दो यार तस्वीरें भी दिखा दो यार। नहीं नहीं वो इसलिए कि वो तेरे पास वो हर चीज है जो मतलब एक हीरो के पास होनी चाहिए, और वो तेरी जो डायलॉग डिलीवरी है और इतना फास्ट बोलना यहाँ पे तो 6 दफा लाइन सुन के बंदे को याद नहीं होती, तो मैं तेरे कॉन्फिडेंस पे और तेरे जो एक्टिव है तू मुझे लगता है तू वो क्या कहते होते हैं कि गया।
really honored sir. वैसे तमिल फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਗੱਤੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ। मुझे लगता है विराट कोहली सही कर रहा है। क्यों विराट ही क्यों? वो इसलिए कि वो जो युवराज और वो जो दूसरा है वो उसको देख के कर रहे हैं। yeah! 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 वो पहले वो कर रहा है। उसको ज़्यादा आता है। अनुष्का नु देख के अनुष्का रंग फाड़ ही लेंदा। जफरी भाई के लिए पहले तो बहुत ही तालियां। ब्लाइंड कलर के साथ बात किया सर आपने। अब मैं कुछ गीत छेड़ूंगा लेकिन वो अधूरे होंगे और आपको उन्हें मुकम्मल करना होगा। गोया में कुछ अस्थाइयां या अंतरे कुछ भी हो सकता है, आपको गैस करना है कि वो गीत कौन सा है। सर पहला ये है उदासी जान की प्यासी, भाई शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। फौरी लवों के लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाय वजह जोर का झटका। अद्ध तक पहुंचा के आए मैं दोनों गाने। जोर का झटका हाय जोर। यस सर कम ऑन। लगा हाय ए जे साडे दौर दे गाने। अच्छा दलेर पाजी ओ होए ने कि जिन्होंने बॉम्बे ते एक राज कीता है। राज क्या बात है। ओ ही दी उन्हां दा मान के केड़ा सी ਤੁੜਕ 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 ਦਾ 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 ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਰਾ। ਤੁੜਕ 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 ਦਾ 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 ਤੁੜਕ 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 ਦਾ 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 ਢੋਲਣਾ ਵੱਜੇ ਤੁੰਬੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਸੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਕਾ ਆ ਜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿਆਰ। ਢੋਲਣਾ ਵੱਜੇ ਤੁੰਬੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਸੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁਕਾ ਆ ਜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਿਆਰ। अगला गीत है देखा जब से तुम्हें पूरे हुए गीत मेरे चाहूं यूं ही तुम्हें शाम सहर मीत मेरे। मैं हौली हौली लेके जाना दोनों थे तक। ओके दिन शब में ढले शब दिन में ढले सावन बरसें सदियां गुजरें हाथों में सदा ये हाथ रहे दुनिया से कहो आवाज न दे। ठहरा है समां। क्यों जी कोई काटी फलकार होएगा जिन्हों इदा ना पता होवे। बिल्कुल ते मेरे ना दिल दी ख्वाहिश है माशाला तानु सुर ताल हर चीज का तानु पता है। मेरे दिल की ख्वाहिश है अगर अपना डायरेक्टर साहब मेरी पूरी कर दे कि यही मैं गजल जी मैं कहना कि मैं मोहसन भाई सुना दे। आपड़िया आपड़िया संगीत को इज्जत दो। हम तो हैं जहां आंखों से कहो आंखों से सुनो धड़कन से कहो खामोश रहे दुनिया से कहो आवाज न दे। जफरी भाई थैंक यू सो मच सो मच सो मच। बहुत बढ़िया शो हुआ आज का, बड़ा गर्म शो हुआ आज का, बहुत लुत्फ आया आपके साथ। और जाते जाते मैं चाहता हूं कि आप यहां तशरीफ लाएं और हम आपको एक आखिरी जहमत दें हैप्पी रोस्टिंग में। सेगमेंट का नाम है हैप्पी रोस्टिंग। सर शायाने शान जो जो आपको समझ आता है सर पहला जुमला सलमान मियां के लिए। माचिस की डब्बी से सौंदा होना ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਲਾਹਣ ਕੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਈ ਥੱਲੋ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੱਲੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਟਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸਰ। ਸਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ। ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ।
यानी कि वो डायरेक्टर है अपनी फिल्म का टेलर कैम सुट रहे हैं के तीन महीने बाद 4K सुटांगा यार बाल से भाई किड्डी टेक्निकल गल है बाल से बहुत बढ़िया सर अगली बारी आपके दोस्त सर शेरी नन्ना ये वाहद व्याले दिन लाड़ा सी जेड़ा घोड़ी दे नाल नाल टुरिया सी घोड़ी ने क्या मैं डर के ला रहे सर बहुत बढ़िया यार बहुत आला सर अगली बारी फलक जी की ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੀਆਂ ਨਿਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋਹਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ अगली बारी है हमारे होस्ट की नहीं ये तो मेरा छोटा भाई है दूसरा इसने तो मुझे बुलाया है थैंक यू सो मच एहो जा हीरो अपनी फिल्म देख के कहना हुंदा हो सकता है पब्लिक नु समझ आ जाए